وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ। और बेशक उनमें से एक गिरोह किताब यानी तौरात पढ़ते वक्त अपनी जुबानों को मरोड़ लेता है, तौरात को पढ़ते वक्त अपनी जुबानों को टेढ़ा कर लेता है। लितहसबूहु मिनल किताब वमा हुवा मिनल किताब, ताकि तुम ये गुमान करो कि ये भी किताब ही का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। आयत नंबर 78 तीसरे सिपारे में कि उनमें से एक गिरोह ऐसी है कि जो तौरात पढ़ते वक्त अपनी जुबानों को टेढ़ा कर लेता है, अपनी जुबानों को मरोड़ लेती हैं, ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। वयकुलून हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, और वो ये कहती हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है। मगर वो कहते हैं ये अल्लाह ने नाजिल किया, जबकि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं है, ताकि तुम ये समझो कि ये किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है, और अपनी जुबानों को टेढ़ा कर लेती हैं। वयकुलूना अलल्लाहि अल-काज़िब वहुम यालमून, और वो दानिस्ता जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बोलती हैं, अल्लाह के ऊपर। अच्छा, अब पीछे से नसारा का जिक्र चलता आ रहा है, और ये जिक्र हुआ था कि गालिबन 80 आयात जो हैं वो ईसाइयों के मुतालिक जो उनसी ये नाजिल हुई। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला ने उनकी एक और बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुमराही और मासीत गुनाह को बयान फरमाया है। अब इस जगह के ऊपर यानी वो अपनी ज़ुबानों को मरोड़ लेते हैं, इससे मतलब क्या है कि वो अल्लाह की किताब में तब्दीली कर देती हैं, ताकि आप ये समझें कि ये भी अल्लाह ही की किताब है और ये भी नाजिल शुदा है, हालांकि वो नाजिल शुदा नहीं है और ना वो अल्लाह की किताब है। अपनी जुबानों को मरोड़कर ऐसे लफ्ज बोलती हैं कि आपको ये पता चले कि किताब के अंदर अल्लाह की किताब में ये फरमाया गया है, जबकि वो तो फरमाया ही नहीं गया था। तो ये ऐसे करती हैं, तो ये एक उनकी बहुत बड़ी गुमराही और बहुत बड़ा गुनाह और मासीयत है, जिसको अल्लाह ताला ने अब बयान किया इसके अंदर कि ये ऐसे करती हैं कि वो अल्लाह की किताब में तहरीफ करती हैं, अल्लाह की किताब को चेंज करती हैं। अच्छा, बाज़ आयात को छुपा लेती हैं, और इसकी मिसालें पहले पीछे गुजरी हैं, और बाज़ आयात जो हैं उनको अपनी तरफ से घड़ लेती हैं, यानी वो आयात नाजिल नहीं हुई होती मगर अपनी तरफ से ज़ुबानों को टेढ़ा करके ऐसे अल्फाज और वो जुमले बना देती हैं कि ये भी आयात हैं जो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई है, मगर ऐसी बात नहीं है। और दो सूरतें, एक तो बाज़ आयात को छुपा लेती हैं, और दूसरी सूरत क्या है, बास आयात को जान सा है वो उनमें तब्दीली कर देती हैं, बास को छुपा लेती हैं, बास को उसमें तब्दीली कर देती हैं, या
अपने पास से घड़ देती हैं। एक तीसरी सूरत ये भी है, बाज को छुपा लेती हैं और बाज को बाज में तब्दीली कर देती हैं उन जुबानें, या फिर बाज अपनी तरफ से घड़ देती हैं और कहती हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, वो ये कहती हैं। अब यहूद, यहूद जो है, जो असल बात है वो ये कि यहूद ये तौरात में लफ्जी तहरीफ करते थे। तौरात शरीफ के अंदर ये लफ्जों को तब्दील कर देते थे, हालांकि वो लफ्ज अल्लाह की तरफ से नाजिल, वही नाजिल नहीं हुई होती थी जो उनसी है। बाज़ औक़ात वो अल्फाज बदल देते और बाज़ औक़ात वो अपनी तरफ से कोई नई इबारत बना देते और कहते कि ये अल्लाह की तरफ से ये जो वही है ये नाजिल हुई है, कि ये तो अल्लाह ने फरमाया है। और बाज़ औक़ात एक तीसरा काम वो ये भी करते थे कि बाज़ आयात को ही छुपा लेते थे, कि नहीं ऐसी तो कोई आयत नाजिल ही नहीं हुई, ऐसी तो कोई आयत नाजिल ही नहीं हुई, और या क्या करते थे छुपा लेते थे या अल्लाह के कलाम में से उस आयत को क्या करते थे, डिलीट कर देते थे, बेफ कर देते थे, गायब कर देते थे, हजफ कर देते थे, कि ऐसी तो कोई आयत नाजिल ही नहीं हुई थी। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी एक बहुत बड़ी मासियत और बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह ने बयान किया कि ये लोग ऐसे करते थे। तो यहूद ने फिर तौरात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और आपकी उन सिफात का ज़िक्र हज़्फ़ कर दिया, गायब कर दिया तौरात में से, और इसी तरह आपकी असहाब का ज़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम का जो ज़िक्र तौरात में था उसको हज़्फ़ कर दिया, उसको भी गायब कर दिया। और बेशुमार ऐसे अहकामात थे जिनको छुपा लिया, बास को तो मिटा दिया, वो आयाती किताब में से निकाल दी, बास को छुपा लेते थे और बास में तब्दीली कर देते थे, यानी ये तो ऐसे नहीं, ये तो ऐसे नाजिल हुई थी। तो इसकी तस्दीक खुद कुरान करीम ने भी की कि कुरान कहते हैं ये अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरा मिम्मा कुंतुम तखफून मिनल किताब वयअफू अन कसीर, ए अहले किताब बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया जो तुमसे बहुत सी ऐसी चीज़ों को बयान करता है जिनको तुम छुपाते थे, और बहुत सी बातों से मेरा महबूब दरगुजर फरमाता है। मगर कुरान ने गवाही दे दी, अल्लाह के कलाम ने ये बता दिया और कुरान इसके ऊपर गवाह हो गया कि ये छुपाते थे, आयात गायब करते थे, बीच में से आयात हजफ कर देते थे या तब्दील कर देते थे जन से। तो ये कुरान करीम की उसके ऊपर आगे फरमाया मा काना लिबशरिन अय्युतीहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत थम यकूल लिन्नास कूनु इबादल्ली मिन दूनिल्लाह वलकिन कूनु रब نجين بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون। किसी बशर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उसको किताब, हुक्म और नबुव्वत अता करे, किताब अता फरमाए, एक फैसला करने का हुक्म अता फरमाए, फिर नबुव्वत अता फरमाए और फिर वो लोगों से ये कहे कि तुम अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ, अल्लाह के बंदे ना बनो, मेरे बंदे बन जाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मुमकिन ही नहीं है,
कि मैं किसी को नबूवत दूं, कि मैं किसी को नबूवत दूं, किताब दूं, ये मर्तबा और मुकाम दूं, और वो ये कहे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ, नहीं, ऐसा ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो लोगों से ये कहे कि तुम अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ, हाँ वो यही कहेगा कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, वलकिन कूनु रब्बानीयीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून, कि तुम किताब की तालीम देते हो और तुम पढ़ते पढ़ाते हो। बशर किसको कहते हैं? इंसान को। बशर, इंसान और आदमी में फर्क क्या है? बशर, इंसान और आदमी में फर्क क्या है? ज़ाहरी खाल और चेहरे, मोहरे के एतबार से जो आपका जिस्म, खाल जिस्म आपका नज़र आ रहा है, हाथ पांव, इसके हिसाब से तो आप बशर हैं, इसके हिसाब से। हकीकत के एतबार से आप इंसान हैं, आपकी हकीकत क्या है कि आप इंसान हैं, और ज़ाहरी उसके हिसाब से आप बशर हैं, जानवर नहीं हैं, बशर हैं। और नस्ल और नसब के एतबार से आप आदमी हैं, कि आप की जो नस्ल है वो और नसब जो है वो कहाँ पे जाके मिलता है। तो किसी बशर के लिए ये मुमकिन नहीं है। अब पिछली आयात में अल्लाह ताला ने अहले किताब की तहरीफ को बयान किया कि ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं चीज़ों को, ये बहुत गुनाहगार हैं, बहुत बेईमान हैं, चीज़ों को चेंज कर देते हैं, असल चीज़ की शक्ल को तब्दील कर देते हैं, बात कुछ और थी ये बात कुछ और बयान करती हैं, और कहती हैं अल्लाह का कलाम है, यही सच है, यही हक है, यही वही है, जबकि वो वही नहीं होती। और फरमाया कि अहले किताब की आदत और उनका तरीका किताब में तहरीफ और तब्दीली, उनका तरीका ही चलता चला आ रहा है कि वो किताबों में तहरीफ और तब्दीली कर देती हैं। अब इस आयत में ये फरमाया कि उन अहले किताब की मिन जुमला तहरीफात में से ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने खुदा होने के दावेदार थे। एक तहरीफ उन्होंने ये भी की थी अपनी किताब के अंदर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा किया था कि मैं खुदा हूँ, तब्दील कर दिया अल्लाह के कलाम को, हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे दावेदार थे। और दूसरी उन्होंने तहरीफ ये की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को हुक्म देते थे कि मेरी इबादत करो, तुमने मेरी इबादत करनी है। एक ये तहरीफ की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि मैं खुदा हूँ, और दूसरी तहरीफ क्या की कि इबादत खुदा की बजाय मेरी करनी है, तुमने मेरी इबादत करो। हालांकि किसी बशर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उसको किताब दे, नबुव्वत दे, और एक मर्तबा, मुकाम, हकम, और फिर वो लोगों से ये कहे कि तुम अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ। ये अल्लाह पाक ने कुरान में फैसला फरमा दिया कि ये किसी बशर के लिए मुमकिन ही नहीं है कि जिसको मैं नबूवत दूँ और किताब दूँ और वो ये कहे कि मैं खुदा हूँ, तुम मेरी इबादत करो, नहीं। बल्कि वो तो बंदों को अल्लाह का बंदा बनाने के ऊपर आती है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि वो खुद भी खुदा की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी, आप अपनी सनद के साथ इकरमा से रिवायत करती हैं,
हजरत इब्ने बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करती हैं कि अबू राफे करजी ने कहा कि जब नजरान के अहबार यहूद और उलमाए नसारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए और आपने उनको इस्लाम की दावत दी, तो वह नजरान वाला सारा वाक्य आप सुनाई, जब फिर पीछे उसका तफसील से आयात में भी जिक्र गुजरा कि जब मुबाहले की उनको दावत दी गई कि अच्छा फिर आओ मुबाहला कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ये चाहती हैं कि हम भी आपकी उसी तरह इबादत करें जिस तरह ईसाई जो उनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे? क्या आप ये चाहते हैं कि हम आपकी वैसे इबादत करें जैसे ईसाई जो हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की थी? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम गैरुल्लाह की इबादत करने से अल्लाह की पनाह चाहती हैं और गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म देने से उससे भी अल्लाह की पनाह मांगती हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए भेजा है, ना इसका मुझे हुक्म दिया है। तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि किसी बशर के लिए यह मुमकिन ही नहीं कि हम उसको किताब दें, उसको नबूवत दें, ये मर्तबा और मुकाम दें और वो ये कहे कि खुदा के सिवा मेरी इबादत करो, या वो खुदाई का दावा कर दें, नहीं नहीं वो ये नहीं कहेगा कि मेरे बंदे बन जाओ, ऐसा नहीं है। आगे फरमाया वला यअमुरकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबा, और ना वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। अयअमुरुकुम बिलकुफ्र बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? ना तो वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो, और ना वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा। तो इससे मालूम ये वह कि मुसलमान होने के बाद दोबारा काफिर हो जाना ये नहायत ही गंदा और कबीह फील। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।